माय चैनल कुकिंग फॉर यू। मैं हूँ सुप्रिया और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली जिमीकंद ओल या सुरन की चटनी। जी हाँ, बहुत से जगह पे इसे सुरन कहते हैं, ओल कहते हैं या जिमीकंद भी कहते हैं। तो नॉर्मली इसके सब्जी बनाए जाते हैं, तो आज जो रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो इसकी चटनी है, जो फटाफट से बन के तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आप किसी भी चीज़ चावल रोटी पराठे के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास 400 ग्राम ओल था, उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में उसके छिलके हटा के काट लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए नमक वाले पानी में सोक करके रखने वाली हूँ। इससे क्या होगा, जो इसका एक्स्ट्रा जो एंजाइम्स होते हैं, जो भी इससे पानी निकलता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि मुँह को काटता है ये, तो वो इससे एक्स्ट्रा निकल जाएगा। वैसे आज तक मैंने इतनी, तो फ्रेंड्स अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब जो ओल था उसे मैंने बॉईल कर लिया था, 10-15 मिनट मैंने इसे गैस पे बॉईल कर लिया था और इसे छान कर स्ट्रेनर में रख लिया था। बॉईल करना इसे बहुत ज़रूरी है, तभी ये पकेगा और इसका चोखा और या चटनी जो भी आप बना रहे हैं बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं फ्रेंड्स, मसाले निकाल लेते हैं। मसालों में मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच राई का पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी और अजवाइन। अब हम इसको इस बड़े एक मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे, फिर इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। इसमें मस्टर्ड ऑयल डालते हैं फ्रेंड्स, तो मस्टर्ड ऑयल डालना ना भूलें। और 1 लेमन का जूस निकाल लिया मैंने, 1 बड़े साइज़ का लेमन था। थोड़े से अदरक लहसुन और हरी मिर्च को काट के, बारीक काट के मैंने रख लिया है। पोटैटो मैशर हो आप उससे मैश कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई मोटे तले का ग्लास हो उससे भी मैश कर सकते हैं। हाथ यूज़ नहीं करना है इसे मैश करने के लिए, अगर आप हाथ से करेंगे तो इसमें जो इचिंग होती है थोड़ी सी, वो आपके हाथों को लग सकती है, तो वो आपको अवॉइड करना है यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें आप हाथ ना लगाएं, हाथ लगाने से ये कहते हैं थोड़ा सा हाथ में इचिंग सी होती है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बार बनाया है ये चटनी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसका जो ट्रिक होता है वो ये होता है कि आप इसे बनाने के बाद 4-5 घंटे बाद यूज़ करें, तुरंत ना खाएं। तो इसे मैश कर लिया है मैंने, मेरे पास बारीक कटी हुई अदरक लहसुन और 4-5 हरी मिर्च थी, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें मसालों में डालूँगी थोड़ा सा राई का पाउडर, थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला 1 चम्मच इतना, 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे हम, या फिर अपने स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और अजवाइन ज़रूर डालें, अजवाइन इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, अजवाइन के बिना ये अच्छी नहीं बनती। और थोड़ा सा कलौंजी वो डाल लें, जिसे नटेला सीड्स भी कहते हैं। 2 नींबू का रस था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है, और 1 कटोरी लगभग मस्टर्ड ऑयल डाल दिया मैंने। तो अब इन सभी को आप अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर आपके पास अवेलेबल है सनलाइट है तो आप इसे 1 से 2 घंटे सनलाइट में रख दें। सनलाइट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसे डब्बे में बंद करके फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद यूज़ करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, और 1 हफ्ते तक आप इसे फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। पानी इसमें ऐड नहीं करना है, ध्यान रहे पानी ऐड ना करें, अदरवाइज़ इसमें स्मेल आ जाएगा। तो इसे इंजॉय करें फ्रेंड्स। ये देखिए ओल की चटनी बनके तैयार है, ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है ये मैंने। इसे आप सुरन के नाम से सर्च कर सकते हैं मार्केट में, या जिमीकंद के नाम से भी मिलता है। इसे स्टोर करके आप इंजॉय करें फ्रेंड्स, और रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।